हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की, और इसमें कुछ विशेष बेसिक नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग बेस ही आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो उसमें हमें क्या करना है, एक रियल नंबर हमारे पास गिवन है, उसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। प्रूव दैट This is irrational. Prove that root 2 is irrational. Prove that root 3 is irrational. Means हमें नंबर की इरेशनलिटी प्रूव करनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स जिनको हम P बाय क्यू की फॉर्म में लिख सके, यहां पे P एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स तो वो नंबर जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सके तो वो हमारे पास हो गए इरेशनल नंबर। एक डेफिनेशन तो ये है कि जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो नंबर ना तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो। फॉर एग्जाम्पल 1/5, जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, इसको डेसिमल रूप में लिखते हैं तो हमें मिलेगा 0.2। अब देखो ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया ये, तो टर्मिनेट हो गया और कैसा होना चाहिए था, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट होने की वजह से इरेशनल नंबर नहीं है, यानी कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें 1/3 की, यह 0.33333 एंड सो ऑन। अब ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन ये रिपीट हो गया, देखो 3 रिपीट हो रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीट होने की वजह से ये इरेशनल नंबर नहीं है, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 0.10, 1000, 1000, 1400 एंड सो, अब आप देखेंगे ना तो ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ 1000, 1400 ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो वो होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। रूट टू पावर फ्रैक्शनल है यहाँ पे, जैसे √3 ये भी इरेशनल नंबर है। √4 नहीं, √4 से तो हमें कितना मिल जाएगा, √4 दैट इज इक्वल टू 2, तो इसकी बात नहीं है। √2, √3, √5 तो ये हमारे पास कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स है। अब जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो नंबर की इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए, मीन्स हमें नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें यह प्रूव करना है कि √5 है वो इरेशनल नंबर है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों हम इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, यानी कि इसको कॉन्ट्राडिक्शन से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। इसने कहा है कि प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट √5 इज रैशनल। √5 को हम रैशनल मान लेते हैं। प्रूव इरेशनल करना है, हमने ये कहा कि √5 रैशनल है। अब यहां पे √5 अगर रैशनल है सो √5 कैन बी
written as root 5 that is equal to p divided by q. Root 5 is equal to p divided by q. क्योंकि rational number को हम कैसे लिख सकते हैं? p by q की form में लिख सकते हैं. यहां पे q zero नहीं है. और क्या है कि p and q कैसे हैं? Integers हैं. p and q are integers. अब देखिए कि 2 by 4 ये एक rational number है. अब मैं इसको cancel कर लूं अगर तो हमारे पास 1 by 2 आ जाएगा. लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगे. हमारे पास 6 डिवाइड बाय 15 है. मैं इसको कैंसिल करके अगर लिख दूं 3 पे किया 2 और ये 5 तो ये 2 डिवाइड बाय 5 आ गई. तो ये लोएस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया. ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहां पे 8 डिवाइड बाय 18 तो 2 पे कैंसिल किया ये 4 आ गया और ये 9 आ गया. तो 4 डिवाइड बाय 9 ये हमने लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया. अब देखो जब हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखा तो ये जो हमारे पास है 4 एंड 9 ये को प्राइम है. ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है. मींस इनमें 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है. को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन ना हो. तो ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स है. अब आप देखेंगे यहां पे तो जो p और q है वो 2 by 4 टाइप का भी हो सकता है, 6 by 15 टाइप का भी हो सकता है, 8 divided by 18 टाइप का भी हो सकता है. तो यहां पे ये इंटीजर्स है तो इनमें फैक्टर कॉमन भी हो सकता है. तो अगर इनमें फैक्टर कॉमन हो सकता है तो पहले इस कॉमन फैक्टर को जो है कैंसिल कर लेते हैं. तो यहां पे अब हम क्या करते हैं, डिवाइड पी एंड क्यू बाय कॉमन फैक्टर इफ एनी. अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड कर दिया है. एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर, आफ्टर डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर वी गेट तो यहां पे हमने ये लिखा है कि P और Q इंटीजर्स है लेकिन इनमें फैक्टर तो कॉमन हो सकता है तो इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख लिया. तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रूट 5 किसके इक्वल आ गया. मान लो डिवाइड करने के लिए मान सपोज करो ये पहले 8 डिवाइड बाय 18 था तो कैंसिल करके हमारे पास ये आ गया 4 डिवाइड बाय 9. तो ये पहले अगर P और Q थे, ये P और Q थे तो इसको हम A और B लिख लेते हैं. Then it is A divided by B. अब ये जो A और B है वो कैसे हैं? Co-prime. Where A and B are co-prime. A and B are co-prime. इनमें 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है A और B में. अब यहां पे हम इसको इक्वेशन इसको मान लो, बेशक आप इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लो. अब हम करते हैं स्केयरिंग इक्वेशन 2, स्केयरिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड. इक्वेशन 2 को हमने स्केयर कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 5 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर. रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 यहां से ए स्क्वायर और यहां से बी स्क्वायर. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
यहां पे हम वन लगा देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। अब आप देखें कि ए एक नंबर है तो ए स्क्वायर भी एक नंबर है। सपोज करो 15 है तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका एक फैक्टर 3 है एक फैक्टर 5 है इसका। क्या हम 15 को 4 मल्टीप्लाइड बाय भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्योंकि 4 15 का फैक्टर नहीं है। तो यहां पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, यानी कि ए स्क्वायर है जो वो 5 से डिविजिबल है या 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। तो ये चीज आपको समझनी है। अब 16 है, 16 क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको 8 into something 8 into 2। 20 10 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हम लिख सकते हैं 10 into 2। क्या 18 7 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा क्योंकि हम इसको नहीं लिख सकते 7 into something। क्या 18 9 से हो जाएगा क्योंकि 9 into 2 लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर किसी नंबर को किन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि वो उसके फैक्टर है, इट मीन्स हम यहां पे कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये 5 है जो वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अब सीधी सी बात है, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कट जाएगा, बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अब 5 डिवाइड ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 आल्सो डिवाइड ए। अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा ए को भी, 5 डिवाइड कर रहा है ए को, इट मींस जो 5 है वो ए का एक फैक्टर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब 5 अगर डिवाइड करता है ए को, सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5 into c। देखो 16 है, 16 को 4 डिवाइड करता है तो हम लिख सकते हैं 4 into 4। 20 है, 20 को 5 डिवाइड करता है तो हम लिख सकते हैं 5 into 4। 36 है, इसको 9 डिवाइड करता है तो 9 into 4 लिख सकते हैं। 20 है, इसको 7 डिवाइड करता नहीं करता क्योंकि हम लिख नहीं सकते ऐसे। अगर 5 डिवाइड करता है ए को तो डिवाइड करके कुछ आंसर भी तो आएगा, तो ये वही आंसर है। तो 5 अगर ए को डिवाइड करता है तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 5c, तो ए को हम 5c लिख सकते हैं। यानी कि फैक्टर और डिविजिबिलिटी पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है यहां पे, या सिंपली आप इसको कह लो कि ए इज इक्वल टू 5c। ये हमारे पास 4 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी ए इन इक्वेशन 3, ए की जो वैल्यू होगी इक्वेशन 3 में पुट कर दी। यहां पे जो सी है, सी इज एन इंटीजर लिख सकते हैं आप यहां पे, वेयर सी इज एनी इंटीजर। अब ए की वैल्यू
यहां पे पुट कर दिया हमने 5c, तो 5c का स्क्वायर हो गया दैट इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये 25c स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5b स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, दोनों साइड में 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहां पे पहुंच गए, या फिर हम लिख सकते हैं इसको b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब आप इक्वेशन 3 को देखें, जैसे इक्वेशन 3 के लिए किया था ऐसे ही हम इसके लिए करते हैं। हम यहां लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू c स्क्वायर है, तो 5 डिवाइड डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दिस इंप्लाइज 5 आल्सो डिवाइड b। अब देखो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी, सो 5 डिवाइड 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 है जो वो b को भी डिवाइड कर रहा है, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a और b तो हमारे को प्राइम थे, इनमें कोई और फैक्टर कॉमन नहीं था 1 के अलावा, तो इनका तो फैक्टर कॉमन आ गया। इट मीन्स 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन कि 5 है वो कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, ए का भी और बी का, जो कि कंट्राडिक्शन है, जो कि गलत है, विरोध है, बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम, क्योंकि ए और बी तो कैसे थे, को प्राइम थे, तो 5 कॉमन हो ही नहीं सकता, कंट्राडिक्शन हो गया। इट मीन्स सो आवर अजम्पशन या फिर सपोजिशन अजम्पशन इज रोंग, हमारी जो अजम्पशन है वो रोंग है, आपने क्या अजम्प किया था कि रूट 5 रैशनल है, सो रूट 5 इज सिंपली लिख सकते हो इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, हैंस प्रूव। तो ये हमारे पास प्रूव है। तो प्यारे बच्चों ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको देखो रिकैप करते हैं बिल्कुल आसानी से कि रूट 5 को हमने रैशनल मान लिया। देखो भाई अगर रैशनल है तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्या जीरो नहीं है और पी क्या इंटीजर्स है। अब पी और क्या इंटीजर है उनमें कोई फैक्टर कॉमन तो हो सकता है, उनमें जो फैक्टर कॉमन है उससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद रूट 5 इक्वल आ गया ए बाई बी की, दोनों साइड में स्केयर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। यहां पे हमारे पास ए स्केयर इज इक्वल टू 5b स्केयर, अब ए स्केयर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई बी स्केयर, ए स्केयर के 2 ब्रेक है 5 मल्टीप्लाइड बाई बी स्केयर, इसका मतलब 5 डिवाइड करता है स्केयर को, अगर 5 ए स्केयर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करता है, अगर 5 ए को डिवाइड करता है तो हम ए को लिख सकते हैं 5 इंटू सम अदर इंटीजर, तो ए इज इक्वल टू 5c लिख दिया। अब ये जो ए की वैल्यू है वो हमने ए स्केयर इज इक्वल टू 5b स्केयर में रख दी, ये हो गया 25c स्केयर इज इक्वल टू 5b स्केयर, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से जब हमने डिवाइड कर दिया
तो 5c² इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c². अब यही बात जो पहले a के लिए a स्क्वायर के लिए हुई थी वो बी स्क्वायर के लिए होगी। 5b² को डिवाइड करता है तो 5b को भी डिवाइड करता है, इट मीन्स 5a और b दोनों को डिवाइड करता है, तो दोनों को डिवाइड करता है इसका मतलब 5 कॉमन फैक्टर है दोनों का। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन होगी क्योंकि a और b तो को प्राइम थे, उनमें तो 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर था ही नहीं, इसका मतलब हमारी अजम्पशन जो है वो रोंग है, जो हमने अजम्प्ट किया है, जो हमने सपोज किया वो रोंग है। इसका मतलब हमने अजम्प्ट किया था कि रूट फाइव है जो रैशनल है, इसका मतलब रूट फाइव रैशनल नहीं है। अगर वो रैशनल नहीं है तो वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो जाता है। प्यारे बच्चों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जिस तरह से रूट फाइव के लिए है इसी तरह से रूट टू के लिए है, इसी तरह से रूट थ्री के लिए है, इसी तरह से रूट सेवन के लिए है। अब मान लो रूट टू के लिए है तो जहां पे फाइव आया है वहां पे टू आ जाएगा, इसी तरह से जहां पे कहीं 25 बना है, 5 का स्केयर 25 है तो 2 का स्केयर 4 है तो 4 बन जाएगा, इसमें कोई और ज्यादा सा चेंज नहीं होगा। तो ये आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।